Good morning, students. This is Surjit Pal again. I'm back with my new lesson. हमने last lesson में जो सीखा था वो था chapter number 8, multiples and factors. उसमें हमने काफी सारी चीजें सीखी थी और वो जो हम सब revise करने वाले हैं, जो जो चीजें हमने सीखी थी वो हम सब फिर से देखेंगे. उसके बाद उस chapter के बाकी के जो parts हैं उसको आज हम cover करेंगे. तो सभी लोग हमारे screen की तरफ देखेंगे और स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है उसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा. उसके बाद मैं आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम सेट्स है उनको सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का कोई डिफिकल्टी नहीं होगा. सो एवरीबडी प्लीज, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज माई सेल्फ सुरजीत पाल, ट्रेन टीचर फ्रॉम नारियलवाड़ी म्युनिसिपल हिंदी स्कूल नंबर 2, सांता क्रूज ईस्ट. आज हम सीखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5 का या मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक का कवर पेज, जो कि आप सब लोग भलीभांत परिचित हैं इससे. सो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने लास्ट लेसन में जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था वो जरा एक बार हम रिवाइज करेंगे. सबसे पहले हमने देखा था व्हाट आर फैक्टर्स, उसके बाद हमने सेकंड सीखा था व्हाट आर मल्टीपल्स. यानी हमने लास्ट लेसन में फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं यह हमने देखा था और समझा था. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर फैक्टर्स में हमने क्या सीखा था. हमने आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं. फैक्टर्स आर नंबर्स विच डिवाइड एनी गिवन नंबर सच दैट नथिंग इज लेफ्ट ओवर, दैट इज द रिमाइंडर इज जीरो. इसका क्या मतलब है? फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी गिवन नंबर को किसी दूसरे नंबर को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि कुछ भी शेष नहीं बचता. उसका क्या मतलब होता है, कुछ भी शेष नहीं बचता, अर्थात जो रिमाइंडर होता है वो जीरो आता है. एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक आपको डिविजन दिखा रहे हैं. यहाँ पे देखिए, हमने 10 को 2 से डिवाइड किया है. तो जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम 2 का टेबल पढ़ते हैं 5 टाइम्स, तो 2 5 जा 10 आता है और उसके बाद में रिमाइंडर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जीरो है. तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो 2 है इस 10 का एक फैक्टर है. 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10. हम आपको एनोटेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं. एनोटेशन काम नहीं कर रहा मेरा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है. चलिए जाने दीजिए, हम आपको ऐसे सिखाते हैं माउस से. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंस 10 को 2 ने पूरा इस तरह से डिवाइड किया है कि यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचा, नथिंग इज लेफ्ट ओवर, और यानी कि रिमाइंडर जीरो है. तो हम यहाँ पर कहते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10. 2 जो है वो 10 का एक फैक्टर है. तो ये हमने फैक्टर्स के बारे में सीखा था. उसके बाद में हमने सीखा था व्हाट आर मल्टीपल्स, मल्टीपल्स क्या होते हैं. यह भी हमने लास्ट लेसन में देखा था मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो हमने आपको समझाया था वहां पर. एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करते हैं. मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय एनी अदर नंबर. इसका क्या मतलब है, मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर, किसी नंबर का मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर का मल्टीपल वह नंबर होता है जो कि हमें मिलता है कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय एनी अदर नंबर. मतलब जो नंबर होता है, अगर कोई एक नंबर है उसका हमको मल्टीपल बताना है तो हम कैसे बताते हैं, उस नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें जो मिलता है वो उसे हम पहले नंबर का मल्टीपल कहते हैं. जैसे यहाँ पर एक नंबर है 14, 14 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 14 टू जा 28. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा हमको मिलता है 28. इस 28 को हम क्या कहेंगे, इस 28 को हम कहेंगे कि यह नंबर 28 जो है वह नंबर 14 का मल्टीपल है. 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 14. सो यह होता मल्टीपल, हमने इस तरह से आपको बताया था. अब आगे आज हम क्या सीखने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं. आज सबसे पहले हम सीखेंगे
हमने मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स के बारे क्या होते हैं ये आपको हमने एक बार रिवाइज करवा दिया। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है यह हम आपको आज समझाने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। और इसके अलावा हम क्या सीखेंगे, इसके अलावा हम सीखेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स 2, 5 एंड 10। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, अब ये टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी क्या होता है, यह आपको हम यहाँ पर नंबर 2, 5 और 10 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट आपको समझाने वाले हैं। तो इस लेसन को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, सॉरी पीछे चले गए हम, फिर से पीछे हो गया हमारा माउस, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, कोई बात नहीं। फैक्टर्स के बारे में हमको सबसे पहले जानना है कि फैक्टर्स जो हमने सीखा था वहां पे हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर वी डिवाइड द गिवन नंबर बाय स्मॉलर नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। हमने फैक्टर्स तो समझ लिए, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स यानी वह नंबर जो किसी दूसरे नंबर को इस तरह से डिवाइड करता है कि नथिंग इज लेफ्ट ओवर। तो हमको अगर किसी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, उस नंबर को डिवाइड करते हैं। टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर, किसी गिवन नंबर का फैक्टर फाइंड करने के लिए वी डिवाइड द गिवन नंबर, हम उस जो नंबर होता है उसको डिवाइड करते हैं बाय स्मॉलर नंबर्स, स्मॉलर नंबर से हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं। और उसका डिवीजन हम कहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एक से हम शुरू करते हैं डिवाइड करने को, और एक से डिवाइड करते हुए हम उस नंबर के फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, यहाँ पे नंबर 8 है, अगर हमको इस 8 नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम 8 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे 8 को, तो क्या नंबर 1 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, इस तरह से डिवाइड करता है कि वहां पे रिमाइंडर 0 बचता है, तो आंसर इज यस। हमने जैसे कि लास्ट लेसन में देखा था, हमने सब डिवाइड करके देखा था कि 1 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 1 8 8 आता है, यानी 1 नंबर 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 8। उसके बाद में नंबर 2 से देखते हैं, नंबर 2 क्या, नंबर 2 के टेबल में 8 आता है, तो अगर हम नंबर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, तो 2 के टेबल में अगर हम 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो 2 4 8 मिलता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि 8 को हम 2 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो नंबर 2 भी 8 का एक फैक्टर है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर आता है 3, 3 का टेबल हमने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, तो 3 के टेबल में 8 कहीं नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन नॉट डिवाइड 8 बाय 3, 3 से हम 8 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सो 3 8 का फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद में हमने देखा था नंबर 4 से अगर हम 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 4 2 8 मिलता है, यानी कि 4 भी 8 का एक फैक्टर है। उसके बाद हम 4 के बाद में नंबर आता है 5 का टेबल पढ़ेंगे, 8 नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी 8 नहीं आता है, 7 के टेबल में भी 8 नहीं आता है। उसके बाद में लास्ट हम 8 से डिवाइड करते हैं और 8 का टेबल 1 टाइम्स रीड करेंगे तो वो 8 1 8, तो 8 के टेबल में 8 आता है, मतलब नंबर 8 भी 8 का एक फैक्टर है। उसके बाद में और कोई फैक्टर हो सकता है क्या, नहीं, 8 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, 8 के अलावा 8 के बाद में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसके टेबल में 8 आता हो। सो इसका मतलब क्या है, 8 के बाद में और कोई दूसरा फैक्टर हमको नहीं मिलेगा। उसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 14 का फैक्टर हमने फाइंड आउट किया था वहां पे। 14 का फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि सबसे पहले हम उसको डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर्स से, स्मॉलर नंबर्स में हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 से। तो नंबर 1 से जब हम 14 को डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 1 का टेबल अगर हम 14 टाइम्स रीड करते हैं तो हमको नंबर 14 मिलता है, यानी 1 इज अ फैक्टर ऑफ 14। उसके बाद में 2 से हम ट्राई करते हैं तो 2 के टेबल में भी हमको 14 मिलता है, 2 7 14, दैट मींस 2 भी 14 का एक फैक्टर है। उसके बाद में हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 का टेबल हम रीड करते हैं तो 3 के टेबल में 14 कहीं नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 14।
उसके बाद में 3 के बाद में 4 से ट्राई करेंगे डिवाइड करने को, 4 का टेबल भी जब हम रीड करते हैं तो 4 के टेबल में भी हमको 14 नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 4 भी 14 का फैक्टर नहीं है। उसके बाद में आएगा 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 1 5 5 2 10 5 3 15, देयर इज नो 14 इन द टेबल ऑफ 5। इसका मतलब 5 भी 14 का फैक्टर नहीं है। तो क्या 6 14 का फैक्टर है? 6 का टेबल पढ़ो, 6 2 12 6 3 18, 6 के टेबल में भी 14 कहीं नहीं है। इसका मतलब 6 भी 14 का फैक्टर नहीं है। तो 6 के बाद में नंबर आता है 7, 7 के टेबल को अगर हम पढ़ेंगे तो 7 1 7 7 2 14, तो 7 के टेबल में 14 हमको मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, 7 से हम 14 को डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, इसलिए 7 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 14। इसके बाद में बच्चों 7 2 14 आया। अब इसके बाद में हम किसी भी नंबर को 7 के बाद में कोई भी नंबर से आप अगर उसका टेबल पढ़ोगे तो उसमें आपको 14 नहीं मिलेगा। 7 के बाद में 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 8 1 8 8 2 16 बड़ा हो गया। उसके बाद में 9 9 2 18 वो भी बड़ा हो गया। फिर उसके बाद में 10 आता है, 10 का टेबल भी पढ़ेंगे, 10 1 10 10 2 20, 10 के टेबल में भी 14 नहीं है। 11 के टेबल में भी 14 आपको नहीं मिलने वाला है, 12 के टेबल में भी 14 नहीं मिलने वाला है, 13 के टेबल में भी 14 नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में नंबर आता है 14, 14 का टेबल अगर हम वन टाइम रीड करते हैं, वन टाइम जब रीड करेंगे तो 14 1 14, यानी 14 के टेबल में 14 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 14 भी 14 का एक फैक्टर है। उसके बाद में हम एक और एग्जांपल लेंगे 7, 7 का हमको फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो जैसा हमने ऊपर किया है वैसे सबसे पहले हम उसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, कहां से, 1 से। 1 का टेबल 7 टाइम्स रीड करेंगे तो हमको 7 मिलता है, दैट मींस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 7। आफ्टर दैट क्या होता है, 7, 1 के बाद में 7 का कौन सा फैक्टर दूसरा मिलता है हमको, 7। क्यों, बीच में कोई फैक्टर्स नहीं है क्या, देखते हैं। 1 के बाद में 2 आता है, 2 के टेबल में 7 आता है कहीं पे, नहीं आता। 3 के टेबल में भी 7 नहीं आता, 4 के टेबल में भी 7 नहीं आता, 5 के टेबल में भी 7 नहीं आता, 6 के टेबल में भी 7 नहीं आता, ओनली 7 के टेबल में 7 आपको मिलेगा। और 7 के बाद में ऐसा कोई नंबर है नहीं है जिसके की टेबल में 7 आपको मिले। सो 7 के सिर्फ 2 फैक्टर्स मिले, 1 एंड 7। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, हमने यहाँ पे 8 का 14 का और 7 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने को ट्राई किया। तो सब में हमने सबसे पहले कौन सा फैक्टर देखा, हमको हमने एक तीनों नंबर्स का पहला फैक्टर क्या है, 1। तो बच्चों ये 1 का जरा स्पेशली आप लोग जो है ध्यान में रखना कि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है वह हमेशा 1 होता है। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर फॉर एनी नंबर इज ऑलवेज 1, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को, चाहे जितना बड़ा वो नंबर हो, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 1 जो है किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। उसके बाद में सबसे यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे 1 के बाद में यहाँ पे 2 4 और लास्ट में 8, यहाँ पे 1 के बाद में 2 7 है, लास्ट में 14, यहाँ पे 1 के बाद में 7। और हमने सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर तो देख लिया, स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है, 1। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने सभी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तो सबसे बड़े फैक्टर्स कौन से हैं, द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स। यहाँ पर 8 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 8 है, 14 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 14 है, 7 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 7 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेम टू सेम है, यहाँ पे 8 का 8, 14 का 14, 7 का 7, मतलब वो खुद वही नंबर जो है उस नंबर का बिगेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। तो हम कहते हैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी गिवन नंबर, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी गिवन नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। यानी किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है, वो खुद वही नंबर होता है, द नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद वही नंबर होता है। तो इस ये दोनों बातों को हमेशा ध्यान में रखना, फैक्टर्स में स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर इज ऑलवेज 1, 1 होता है स्मॉलेस्ट फैक्टर। और ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा होता है, वो खुद वही नंबर उस नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग जरा ध्यान से समझना और हमेशा याद रखना ये दो पॉइंट्स को।
इसके बाद में हम चलते हैं मल्टीपल्स पे। मल्टीपल्स को हमने देखा था, मल्टीपल्स हमने वहां पे एग्जांपल में आपको दिखाया था मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मल्टीपल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, हमने स्क्रीन पर लिखा है क्या लिखा है हमने स्क्रीन पर, हमने लिखा है टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवेन नंबर, टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवेन नंबर वी मल्टीप्लाई द गिवेन नंबर बाय एनी अदर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। फैक्टर्स में हमने आपको बताया था कि फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर वी मल्टीप्लाई, मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एनी अदर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, हम किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और शुरुआत कहां से करते हैं? वन से। फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए भी हम स्टार्ट कहां से करते हैं? वन से। और मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए भी हम स्टार्ट कहां से करते हैं? वन से। तो फैक्टर्स में फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए भी वन से स्टार्ट होता है और मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए भी वन से स्टार्ट होता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। बट मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और कहां से स्टार्ट करते हैं? वन से। तो चलो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि किस तरह से हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर एक नंबर हमने जैसे वहां पर भी 8 दिया था, 8 का हमने वहां पे फैक्टर्स फाइंड आउट किया था, यहाँ पे हम 8 का मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। तो 8 का सबसे पहला मल्टीपल होता है 8 1 8, उसके बाद 8 2 16, उसके बाद 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8 4 32, और 5 से मल्टीप्लाई किए तो 8 5 40। उसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जांपल 14, जहां पे पहले हमने इसका फैक्टर फाइंड आउट किया था, अब हम इसका मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। तो 14 का सबसे पहला मल्टीपल 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70। तो इस तरह से हमने 14 के 5 मल्टीपल्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बाय 1, मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 4, मल्टीप्लाइंग बाय 5। तो 5 मल्टीपल्स हमने यहाँ पे 14 के फाइंड आउट कर लिए। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि फैक्टर्स में भी था, 7। 7 के मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करना था तो हमने डिवाइड किया, मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई किए तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। यहाँ पे हमने पहले 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 मिला, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 14, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 21, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 4 28, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 35। तो यहाँ पर हमको इस तरह से हमने इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको ये टेक्निक हमने यहाँ पे मेथड सिखा दिया। अब यहाँ पर एक बात जो हमको ध्यान से समझना है वो क्या है, देखिए स्मॉलेस्ट मल्टीपल फॉर एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। क्या लिखा है हमने? द स्मॉलेस्ट मल्टीपल फॉर एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है? खुद वही नंबर होता है। जैसा हमने फैक्टर्स में सिखाया था, फैक्टर्स में हमने क्या सिखाया था? द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी गिवन नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता है? खुद वही नंबर होता है। और ठीक उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है मल्टीपल्स में। मल्टीपल्स में किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है? खुद वही नंबर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है? 8। 14 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है? 14। 7 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है? 7। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल फॉर एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को फैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और मल्टीपल्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हमने यहाँ पर आपको विद एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन किया और आप लोगों को यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट अब हमको क्या सीखना है? हमने जो पहले आपको बताया था रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या रिलेशन होता है,
या अब हम समझने के लिए ट्राई करेंगे। तो देखो बच्चों, हमने आपको वहां पे फैक्टर्स बताया था, आठ के एट के कितने फैक्टर्स थे वहां पे हमने आपको दिखा दिया था। सबसे पहला फैक्टर हमने क्या आपको बताया था, एट का स्मॉलेस्ट फैक्टर वन, उसके बाद टू, देन फोर एंड देन एट। सो वन वॉज द स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर वॉज एट। एट जो था स्मॉलेस्ट फैक्टर और वन जो है स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड एट द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एट। अब हम ये जो फैक्टर्स है वन टू फोर एंड एट, जरा इनको इनका मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। तो वन टू फोर एंड एट, ये क्या नंबर्स है बेटे बच्चों? ये जो नंबर्स है ये एट के फैक्टर्स है। तो हमने यहाँ पे एट के जो फैक्टर्स है उनको यहाँ पे लाइन से लिख लिया। अब हम इनके फैक्टर इनके मल्टीपल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो वन का अगर हम मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, तो वन का सबसे पहला मल्टीपल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट आ गया, वेरी गुड। यहाँ पे हमने वन के मल्टीपल्स को फाइंड आउट किया, तो वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर, वन फाइव जा फाइव, वन सिक्स जा सिक्स, वन सेवन जा सेवन, वन एट जा एट। हम एट तक ही जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे, क्यों वो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब हम जो एट का दूसरा फैक्टर था टू, उसके मल्टीपल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो टू का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ यानी टू, उसके बाद में टू वन जा टू हो गया, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, यहाँ पर भी हमको एट मिल गया। बस इसके आगे हमको नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद में जो थर्ड फैक्टर है एट का, जो हमने यहाँ पर ऊपर दिखाया है फोर, फोर के मल्टीपल्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो ये दो मल्टीपल्स, यहाँ पर भी हमको एट मिल गया। अब लास्ट नंबर जो है एट, एट का मल्टीपल्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमको एट का मल्टीपल मिलता है, सबसे पहले ही मिल जाता है एट वन जा एट। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, हमने ये क्यों करके दिखाया आपको, ये हमने इसलिए करके दिखाया कि हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पर देखो एट जो है इन चारों के मल्टीपल्स है, वन टू फोर एंड एट, वन टू फोर और एट क्या है, वो एट के फैक्टर्स है, और एट क्या है, इन फैक्टर्स के मल्टीपल्स है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ फैक्ट, यहाँ पे फैक्टर्स हमने दिखाया था, फैक्टर्स और मल्टीपल्स हम आपको यहाँ पे फिर से लिखकर दिखा रहे हैं। एट के मल्टीपल्स क्या है, वन टू फोर एंड एट, और उसमें वो एट के जो फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर को हम ले ले, तो जैसे यहाँ पे हमने फैक्टर टू को ले लिया, तो टू का मल्टीपल एट, एट का फैक्टर टू और टू का मल्टीपल एट, एट का फैक्टर टू है और टू का मल्टीपल एट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ If a number is the factor of the second number is the multiple of the first number. इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास दो नंबर है, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में दिखाया है 8 and 2. यहाँ पर हमने क्या बताया, 2 is a factor of 8. उसके बाद में हमने नीचे देखा 8 is a multiple of 2. यानी अगर 2 8 का फैक्टर है तो 8 2 का क्या है, अगर 2 8 का एक फैक्टर है तो 8 जो है 2 का मल्टीपल होता है, यानी ठीक अपोजिट, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो दूसरा नंबर पहले नंबर का मल्टीपल होगा। वही हमने यहाँ पे बॉक्स में आपको लिखा है, इफ अ नंबर इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर देन द सेकेंड नंबर इज द मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट नंबर। अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो दूसरा नंबर पहले का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ये एक छोटा सा बहुत ही मतलब सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर राम श्याम का बेटा है, अगर राम श्याम का बेटा है तो श्याम राम का क्या होगा, फादर। तो अगर राम श्याम का बेटा है तो श्याम राम का फादर होगा, यानी अगर एक अगर राम जो है श्याम का बेटा है, श्याम राम का फादर है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट। वैसे यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स का भी वही रिलेशन है, अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो दूसरा नंबर पहले का मल्टीपल होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर।
फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर जस्ट द अपोजिट ऑफ ईच अदर। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। अगर पहला फैक्टर है दूसरे का तो दूसरा मल्टीपल होगा पहले का। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, मल्टीपल्स और फैक्टर्स का यह रिलेशन हमेशा अपने माइंड में आप लोग ध्यान में रखना, कभी भूलना नहीं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डिविजिबिलिटी। तो अब हम आप लोगों को डिविजिबिलिटी, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि आज हम टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी सीखने वाले हैं, तो डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है यह भी हमने आपको एक्चुअली लास्ट लेसन में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, फिर भी हम यहाँ पे आप उसको डिटेल में सीखेंगे। डिविजिबिलिटी क्या होता है? डिविजन मतलब आपको पता है डिवाइड करना, डिविजन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो डिवाइड जब हम करते हैं तो डिवाइड क्या करते हैं, हम एक किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसको कहते हैं डिवीजन। तो अब हम यहाँ पे आपको एग्जांपल देने वाले हैं डिवीजन के, तो चलो एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी का रिलेशन डिवीजन से होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डिवीजन करके दिखा रहे हैं। इस डिवीजन में हम यहाँ पे हमारा डिविडेंट है 52, इस डिविडेंट को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 2 से, तो 2 क्या होगा हमारा डिवाइजर। तो डिविडेंड 2 को, डिविडेंड 52 को हम डिवाइजर 2 से डिवाइड करते हैं। तो कैसे डिवाइड करते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से आपको हम करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर 5 है 2 से सबसे पहले 5 को डिवाइड करते हैं। तो 2 का टेबल हम पढ़ते हैं, इतनी बार पढ़ते हैं कि या तो 5 आ जाए या तो 5 से थोड़ा सा नीचे रहे, कम रहे, लेकिन 5 से ज्यादा हमको नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 हो जाता है, जो कि 5 से ज्यादा हो जाता है। तो हम 3 टाइम्स टेबल नहीं रीड करके 2 टाइम्स ही रीड करते हैं, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 आता है। तो हम उसके बाद में माइनस करते हैं, जैसा कि आप डिविजन किस तरह से करते हैं तो आप लोगों को पता है, तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी करके बताऊंगा। 2 2 जा 4, अब हम यहाँ पे माइनस किए तो 1 बचा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 को नीचे लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 एंड 2 मिलकर 12 हो जाएगा। उसके बाद में 2 6 जा 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 6 जा 12 मिलता है। उसके बाद में हम डिवाइड इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है लास्ट में, 0। या तो पहला डिवीजन हो गया। अब तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि 52 को हमने यहाँ पे 2 से किस तरह से डिवाइड किया और लास्ट में हमको यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे करके देखेंगे, 65 को हम यहाँ पे अगेन 2 से डिवाइड करेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सब तो डिवीजन कैसे करते हैं पहले में हमने देखा, उसी तरह हम आपको जल्दी जल्दी 65 को 2 से कैसे डिवाइड करते हैं करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमको 6 मिलता है, तो 6 को हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम 5 को ऊपर से नीचे लाकर रखेंगे। अब 2 का टेबल हम 5 में पढ़ना है तो 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो 6 तो हमको लेना नहीं है तो 2 2 जा 4। अब यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमको रिमाइंडर 1 मिलता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स को आप लोग देखिए, और मैं ये दोनों एग्जांपल्स इसीलिए दिखाया हूँ कि पहले में हमने जब डिवाइड किया तो यहाँ पर हमको डिवीजन करने के बाद में लास्ट में रिमाइंडर 0 मिला,
लेकिन सेकेंड डिवीजन में हमको रिमाइंडर यहाँ पे जीरो नहीं मिलके रिमाइंडर यहाँ पर वन आया। तो हमने आपको पहले बताया था कि डिवीजन करने पर यहाँ पर डिविजिबिलिटी में हमने बताया था कि जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से इस तरह से डिवाइड करते हैं कि नथिंग इज लेफ्ट ओवर, कि कुछ भी शेष नहीं बचता है, रिमाइंडर जीरो बचता है, तो वहां पर हम उसको फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे टू जो है 52 का फैक्टर है, लेकिन 265 का फैक्टर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर हमको यहाँ पे वन मिलता है। तो इसका हम यहाँ पर क्यों आपको बता रहे हैं, ये एकदम ध्यान से समझना कि हम आपको डिविजिबिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी क्या होता है, डिविजिबिलिटी फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट वाला केस में जब हम 52 को 2 से डिवाइड किए तो हमको यहाँ पे रिमाइंडर जीरो मिला, यानी 52 को, यह जो नंबर 2 है 52 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, कम्प्लीटली डिवाइड करता है और नथिंग इज लेफ्ट ओवर, कुछ भी शेष नहीं बचता है। लेकिन नंबर 2 65 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि वहां पर हमको रिमाइंडर 1 मिल जाता है, यानी 65 को नंबर 2 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 52 इज डिविजिबल बाय 2, 52 इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल है 52। क्यों डिविजिबल है, क्योंकि वहां पे रिमाइंडर 0 है। लेकिन 65 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 65 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज कि हमको यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, रिमाइंडर हमको 1 मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी। जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हमको रिमाइंडर 0 मिलता है, नथिंग इज लेफ्ट ओवर, देन हम कहते हैं कि वह नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि वह डिविजिबल नहीं है, इसी को हम कहते हैं डिविजिबिलिटी। तो अब हम बच्चों यहाँ पर क्या सीखने जा रहे हैं, यहाँ पर हमने आपको लिखा है बॉक्स में, इसको हमेशा आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है, सर स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, पहले वाला भी नहीं आया था? नहीं सर, वो इसके पहले 52 वाला आया था सर। ओ हो, तो हमको फिर से वापस जाना पड़ेगा। हाँ सर वही। ओके ओके, शेयर करना भूल गए हम। ओके सॉरी, तो आप मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, तो आप स्क्रीन आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है सर स्क्रीन तो। ओके, पॉज किया हुआ है, जस्ट मोमेंट। अब नहीं सर, आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे, कुछ अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है, एक डॉट दिख रहा। हाँ अभी अभी आया सर। ओके ठीक है, तो फिर हमको अगेन आई लाइक टू रीस्टार्ट। सो ओके बच्चों, हमने आपको यहाँ पे फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमने 52 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला, 0। अब हम सेकंड एग्जांपल आपको, एक और हम डिवीजन आपको करके दिखाने वाले हैं, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। यहाँ पर हम नंबर 65 जो कि हमारा डिविडेंड है उसको हम अपने डिवाइजर 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो जैसा कि डिवीजन आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं तो मैं आपको यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको डिवीजन कैसे करते हैं, कैसे यहाँ पर होगा वो हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमको मिलता है नंबर 6, जिसको कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 0। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम नंबर 5 को नीचे लेकर आएंगे तो यह जाएगा अब 2 2 जा 4 करेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हमको मिलता है 1। अब दोनों डिवीजन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले डिवीजन में हमने 52 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमको मिला 0, और सेकेंड में हमने 65 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 1। हमने ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्यों दिखाया, यह बताने के लिए कि यहाँ पे हम आपको डिविजिबिलिटी क्या होता है वह एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बच्चों पहले वाले में जहां पर कि डिवीजन करने पे हमको रिमाइंडर 0 मिलता है, यानी कि नथिंग इज लेफ्ट ओवर, नंबर 2 52 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है यानी कुछ भी वहां पे लेफ्ट ओवर नहीं है, रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 52 इज डिविजिबल बाय 2, 52 2 से डिविजिबल है। और सेकंड में बिकॉज नंबर 2 जब 65 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 1 मिलता है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि नंबर 65 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर 65 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इस केस में हम कहते हैं कि 65 इज नॉट डिविजिबल बाय 2।
तो बच्चों अब यहाँ पर इस बात को जो हमने यहाँ पर सिखाया वह ध्यान में रखना कि इफ अ गिवन नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर सच दैट नथिंग इज लेफ्ट ओवर और द रिमाइंडर इज जीरो देन वी से दैट द फर्स्ट नंबर द गिवन नंबर इज डिविजिबल सॉरी द अदर नंबर इज आई कैन नॉट रीड दिस सो आई विल जस्ट इफ अ गिवन नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर सच दैट द रिमाइंडर इज जीरो then we say that the other number is divisible by the given number. यहाँ पर given number यानी 2 और जो other number है 52. 2 ने 52 को divide किया तो completely divide किया और remainder हमको 0 मिला. तो हम कहते हैं कि number 2 52 को completely divide कर रहा है इसलिए number 52 is divisible by 2. यहाँ पे 65 is not divisible by 2. Okay students, तो हम अब next topic पे चलेंगे. नेक्स्ट क्या है देखते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय टू. हमको यहाँ पे हम आप बताने जा रहे हैं हम यहाँ पे कुछ आपको टेस्ट बताने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी के. डिविजिबिलिटी के टेस्ट जाने कि हम यहाँ पे नंबर टू है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय टू यानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है. डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है या हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. उसके पहले हम देख लेते हैं टेबल ऑफ टू. टेबल ऑफ टू जब हम बच्चों रीड करते हैं तो क्या है दिखता है हमको. यहाँ पे हमने टेबल ऑफ टू पूरा का पूरा आपको लिख कर दिखाया है. यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 2 20. बच्चों इस टेबल को यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत थी. आप लोगों को टेबल तो आता ही है फिर भी हमने यहाँ पर लिखा है तो उसको लिखने का क्या रीजन है मैं आपको बता रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा आप लोग. सबसे पहले आप लोग इसको यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8 0 उसके बाद में 2 4 6 8 0. यहाँ पे टेबल ऑफ टू में क्या है 2 4 6 ये सब टू के मल्टीपल्स हैं. टू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 2 मिलता है 2 से मल्टीप्लाई करो 4 तो ये टू का टेबल यानी क्या 2 के मल्टीपल्स. और 2 के मल्टीपल्स हम जो देख रहे हैं उन सब में देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 यूनिट का प्लेस देखिए सबका. तो यूनिट के प्लेस में यहाँ पे तो सिर्फ यूनिट ही है तो 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0. अब देख रहे हैं बच्चों 2 के मल्टीपल्स को हम यहाँ पे जो देख रहे हैं पूरा 20 तक इन सभी में यूनिट के प्लेस पे हमको क्या दिख रहा है. यूनिट के प्लेस पे हमको 2 4 6 8 0 स्टार्टिंग से उसके बाद में अगेन 2 4 6 8 0. इसको अगर हम आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे हमने 10 तक का टेबल पढ़ा है 11 तक का पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा 2 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 13 से 26, 14 से 28, फिर 15 से 30. तो 2 का यहाँ पर टेबल दिखाने का आपको ध्यान से देखना है. मतलब क्या है मतलब ये है कि हम जब भी किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनके यूनिट पर आपको सिर्फ यही नंबर्स मिलेंगे. कौन से नंबर 2 4 6 8 0. उसके बाद वो फिर से रिपीट होगा आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे वही रिपीट होगा 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0. सिर्फ यही नंबर्स आपको यूनिट के प्लेस पर मिलेंगे. अब यहाँ पर और बाकी के नंबर्स कौन से होते हैं 1 3 5 7 9. ये जो नंबर्स 2 के टेबल्स में कभी नहीं आते. कौन से नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते हैं 1 3 5 7 एंड 9. ये 2 के टेबल में कभी नहीं आते. अब हम आपको यहाँ पे मल्टीपल्स दिखा दिया अब हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं कि किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर क्या होता है. सो लेट अस डिवाइड बाय 2 व्हेन द यूनिट इज 2 4 6 8 और 0. हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे सारे डिविजन तो नहीं करेंगे हम आपको दो एग्जांपल करके दिखाएंगे कि अगर किसी नंबर के यूनिट पर 2 4 6 8 और 0 होगा और अगर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होता है. देखो यहाँ पे हमने आपको पहले वाला एग्जाम्पल दिखाया था 52 को हमने 2 से डिवाइड किया था ये आपने सब देखा ही है. यहाँ पर हमको रिमाइंडर क्या मिला 0. तो 52 को यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे क्या है 2 और उसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको वहां पे रिमाइंडर 0 मिलता है. सेकंड हम 64 को डिवाइड करके देखें 64 को भी जब हम डिवाइड करते हैं तो इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे और लास्ट में हमको क्या मिलेगा लास्ट में हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा. तो जब हमने 52 और 64 दोनों के यूनिट प्लेस को देखिए वहां पे 2 और 4 है उनको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो वहां पे जो रिमाइंडर है 0 मिला. यानी 52
और 64 दोनों 2 से डिविजिबल है। इसी तरह बच्चों अगर आप चाहो तो ऐसे दूसरे नंबर्स जिनके यूनिट के प्लेस पे 6 रख सकते रख 6 रख के या फिर 8 रख के या फिर 0 रख के अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो वो सारे नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डिवाइड बाय 2 व्हेन द यूनिट इज 1, 3, 5, 7 और 9। अगर हम ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट के प्लेस पे 1, 3, 5, 7 या 9 हो उनको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर है नंबर 51, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। डिवीजन का पूरा मेथड आपको पता है तो मैं फटाफट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो 2, 2 जा 4, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर से हमने 1 को नीचे ले लिया। अब 2, 5 जा 10 होता है तो हमने यहाँ पे 10 ले लिया। लास्ट में बच्चों क्या मिला, लास्ट में हमको यहाँ पे 1 रिमाइंडर मिलता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 51 जो है 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल हम करके आपको दिखाएंगे, 63 में यूनिट के प्लेस पे 3 है तो यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो 2, 3 जा 6 माइनस किया 0 आएगा यहाँ पे, उसके बाद हम 3 को नीचे ले लेंगे तो 2, 1 जा 3, 2 होता है। अब जब माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमको 1 रिमाइंडर मिलता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 63 भी 2 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से हम 65 को भी डिवाइड करेंगे 3 के बदले में, अगर हम वहाँ पे यूनिट के प्लेस पर 5 रख के देखेंगे तो भी हमको वहाँ पे रिमाइंडर 1 मिलेगा, और 63 के बदले में 5 के बदले में 7 रखेंगे तो भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, 9 अगर रहेगा यूनिट के प्लेस पे तो भी हमको रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो वे नंबर्स जिनके यूनिट के प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 होते हैं वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो यह हमको क्या मिला, यह हमको मिल गया टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट। 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या है यह हम आपको बता रहे हैं, और सभी लोग इसको हमेशा ध्यान में रखना क्योंकि यह जो चीज है आगे आपको बहुत काम में आने वाली है। क्या कि एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6 और 8 इन द यूनिट प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या है कि एनी नंबर, कोई भी नंबर जो कि 0, 2, 4, 6 और 8 जिनके यूनिट के प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वे सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल्स होते हैं, या तो वे 2 के मल्टीपल्स होंगे और इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी वो नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं का मतलब क्या होता है कि जब भी हम उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा, नथिंग विल बी लेफ्ट ओवर, दैट मींस दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो जो ये नंबर्स जिनके यूनिट पर 0 2 4 6 और 8 होता है वे सारे नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। यह है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 4 6 और 8 अगर है यूनिट के प्लेस पर तो वे नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। तो अगर कोई नंबर मैं यहाँ पर दे दूं आपको बोलूं 56, क्या यह नंबर 2 से डिविजिबल है, तो यह बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम उस नंबर के यूनिट के प्लेस को देखते हैं। यूनिट पर क्या है 56 में 6, अगर क्योंकि यूनिट के प्लेस पर 6 है और हम जानते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट हमने क्या सीखा था, 2 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट हमने सीखा है कि अगर किसी नंबर के यूनिट पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो बिकॉज यहाँ पे 6 है तो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आता है, इसलिए नंबर 56 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ नंबर 75, क्या यार नंबर 75 2 से डिविजिबल होगा, तो बिकॉज यहाँ पे यूनिट के प्लेस पर न तो 0 है, न तो 2 है, न तो 4 है, न तो 6 है, न तो 8 है, इंस्टेड ऑफ दिस वहां पर नंबर 5 है, तो नंबर 5 अगर यूनिट के प्लेस पर होगा तो वह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए नंबर 75 भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जिस यूनिट नंबर के यूनिट पर 0, 2, 4, 6 या 8 है वे नंबर तो 2 से डिविजिबल होंगे, लेकिन अगर यूनिट के प्लेस पर इनके अलावा नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स 1, 3, 5, 7 या फिर 9 होंगे तो वे नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे, वहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि वे नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है।
ओके बच्चों, एक टू का डिविजिबिलिटी का टेस्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आई होप कि सबको यह बात समझ में आ गई होगी और हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम एक और डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय पाई। किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं, या हमको यहाँ पर उसका भी एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको, जैसे 2 का टेबल मैंने आपको दिखाया था, 2 के टेबल में मैं क्या दिखाया था आपको, यूनिट का प्लेस। 2 के टेबल को जब भी हम रीड करेंगे तो जो भी 2 के टेबल्स में आएंगे उनके यूनिट के प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 यही रिपीट होंगे। 1, 3, 5, 7 और 9 2 के टेबल में कभी आते नहीं है, इसलिए हमने वहां पे देखा भी डिवाइड करके भी कि वही नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं जिनके यूनिट के प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। उसी तरह से अब हम पाई का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको समझना है, तो हमको पाई का टेबल सबसे पहले देखेंगे। तो देखते हैं टेबल का, पाई का टेबल क्या होता है। यह पाई का टेबल है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए इसको। पाई के टेबल में 5, 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 4 जा 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 and 5 10 जा 50। यहाँ पर ये टेबल दिखाने का क्या मतलब है मेरा, इसका मतलब है कि आप लोग इसको, इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए और इस टेबल पे जितने भी नंबर्स आए हैं फाइव के टेबल्स में उनके यूनिट के प्लेस को देखिए, उनका यूनिट के प्लेस में आपको क्या दिख रहा है वो देखिए। सबसे पहले 5, फिर 0, अगेन 5, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0। फाइव के टेबल में यहाँ पे हमने 10 तक मल्टीप्लाई किया है और सभी नंबर्स में यूनिट के प्लेस पर हमको सिर्फ 2 ही नंबर्स दिखते हैं। कौन कौन से? इधर 5 और 0, इधर 0 और 5, या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो 5 के टेबल में जो भी नंबर्स हैं उनके यूनिट पर या तो 5 दिख रहा है या फिर 0 दिख रहा है, यानी 5 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उनके यूनिट के प्लेस पर सिर्फ यही 2 नंबर आपको मिलेंगे, या तो 5 मिलेगा या तो 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के मल्टीपल्स जितने भी होंगे उनके यूनिट के प्लेस पे 0 या 5 दिखेगा। और डिवाइड करते हैं तो अगर किसी नंबर के यूनिट पर 0 या 5 है तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम एक आपको डिवीजन करके दिखा रहे हैं। तो हमारा पीसी हैंग हो रहा है, जरा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। हाँ, ओ सॉरी, क्या हो गया, 65। तो थोड़ा सा बैक करते हैं आपको। यहाँ पे नंबर 65 है, इसके यूनिट पे आप लोग देख सकते हैं नंबर 5 है, 65 का यूनिट जो है 5 है। इसको हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 5 1 जा 5, यहाँ पे हमने माइनस किया तो आ गया 1, से यहाँ पे आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, उसके बाद में 5 को हमने नीचे लिया 15 होगा, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमको, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर नहीं दिखाई रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 है, 15 - 15 0 होता है। 65 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो 13 टाइम्स गया और रिमाइंडर 0 मिला। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ 0 आ गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 70 में भी यूनिट के प्लेस पे 0 है, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे, उसके बाद में 0 को लेकर आएंगे तो 5 4 जा 20। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमको, 0 अगेन। अब थर्ड वाला हम करते हैं यहाँ पे 72, पहले में यूनिट पे 5 था, दूसरे में यूनिट पे 0 था, थर्ड में यूनिट पे 0 और 5 नहीं होके 2 है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 2 यहाँ पे आ गया, 2 को नीचे लिया, 5 4 जा 20। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 2। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट में और सेकंड में रिमाइंडर 0 है, लेकिन थर्ड में रिमाइंडर 0 नहीं होके रिमाइंडर 2 मिल रहा है, यानी पहला और दूसरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल है लेकिन थर्ड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये हमारा टेस्ट और डिविजिबिलिटी बाय 5 हमको मिल गया। क्या है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5? इसी तरह से हम बाकी के एग्जांपल भी कर सकते हो, जहाँ पे कि आप यूनिट के प्लेस पे 3 रख के, 4 रख के, 6 रख के, 8 रख के देख सकते हो, वहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 5 से हम सिर्फ उसी नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली जिनके यूनिट के प्लेस पर या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यही हमारा टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 5 है। एनी नंबर विद 5 और 0 इन द यूनिट प्लेस इज divisible by 5, is a multiple of 5 or is completely or exactly divisible by 5। तो यह हमारा test for divisibility of 5 है कि अगर किसी number के unit पर 5 या फिर 0 है तो वह number या तो 5 का multiple होगा या फिर वो completely divisible होगा 5 से।
ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 हो गया। अब हम देखेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10। जैसे हमने 2 और 5 का टेबल देखा, वैसे हम यहाँ पे आपको 10 का टेबल दिखा रहे हैं। 10 के टेबल में बच्चों को क्या दिख रहा है, यूनिट के प्लेस पे हर जगह पे सिर्फ 0000 दिख रहा है और कोई नंबर 10 के टेबल में आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के मल्टीपल्स जो भी होंगे उनके यूनिट के प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा। और उसी तरह से हम अगर उस नंबर को जिसके यूनिट के प्लेस पर 0 है उसको हम अगर 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पे हमको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। यहाँ पे 110 को हमने 10 से डिवाइड किया, 110 में यूनिट पे 0 है तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और हमको रिमाइंडर 0 मिला। लेकिन अगर 10 के प्लेस पे यूनिट के प्लेस पे 0 ना होके 5 है, जैसा कि यहाँ पे 115 है, तो जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी यहाँ पे सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करके दिखाया है। 2 का, 5 का और 10 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट मैंने आपको करके दिखाया। और हमने क्या देखा, 10 का डिविजिबिलिटी जो मैं लास्ट में कर रहा था जहाँ पे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो मैं आपको बता रहा था कि 10 के टेबल में जितने भी नंबर्स हैं उनके यूनिट के प्लेस पर 0 आता है, यानी 10 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनके यूनिट के प्लेस पर 0 होंगे। उसी तरह हमने आपको वहाँ पे 110 को 10 से डिवाइड करके दिखाया, जिसमें 110 में यूनिट के प्लेस पे 0 था, वहां पे हमने जब डिवाइड किया तो वहां पे रिमाइंडर हमको 0 मिला। बट जब हमने 115 को डिवाइड करने के लिए ट्राई किया तो वहां पे हमको जो है रिमाइंडर 5 मिलता है। यानी अगर हम किसी नंबर्स को ऐसे नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से जिसके यूनिट के प्लेस पे 0 है तो वह नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। लेकिन अगर 0 के बदले में यूनिट के प्लेस पे कोई भी दूसरा नंबर आएगा तो वह नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से हमको टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 10 मिलता है। क्या है टेस्ट, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 10 यह है कि वे नंबर्स जिनके यूनिट के प्लेस पे 0 होता है वे नंबर्स या तो 10 के मल्टीपल्स होते हैं या फिर वे 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो ये हमको 10 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट मिलता है। तो बच्चों, आज के लेसन में हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीखा रिलेशन फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो हमने पहले ही सीख लिया था। आज हमने सीखा कि फैक्टर्स और रिलेशन में क्या रिलेशन होता है, वो हमने आपको बताया था कि फैक्टर्स एंड रिलेशन जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो दूसरा नंबर पहले का मल्टीपल होता है, ये हमने आपको समझाया। उसके बाद में हमने 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट आपको बताया कि वे नंबर्स जिनके यूनिट के प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो वे नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। और अगर यूनिट के प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 को छोड़ के दूसरे नंबर्स यानी 1, 3, 5, 7 या फिर 9 होंगे तो वे नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। 5 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट में हमने आपको बताया था कि वे नंबर्स जिनके यूनिट के प्लेस पे 0 या फिर 5 होते हैं वे नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। और अगर यूनिट के प्लेस पे 0 या 5 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होता है। और 10 का तो हमने आपको बताया ही, अगर 10 से किसी नंबर को डिवाइड करना है कम्प्लीटली तो उस यूनिट के प्लेस पे 0 होना चाहिए। अगर 0 है यूनिट के प्लेस पे तो वह नंबर 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। और अगर 0 के अलावा कोई भी और नंबर यूनिट के प्लेस पर होगा तो वह नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यह आज का लेसन है, इसके यहीं पर हमारा एंड होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम रोज कहते हैं कि आप लोगों को सारे वीडियोज हमारे जो है यूट्यूब के चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग यूट्यूब के चैनल पर जाकर हमारे सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। देखने के बाद में पसंद आने पर उसे लाइक भी करें और उसके बाद में सब्सक्राइब तो करना ही है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को भी आपको प्रेस करना है सो दैट हमारे नए वीडियो जैसे ही अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बच्चों, इसी के साथ में हम आज का लेसन एंड करते हैं। टेक केयर, गुड डे, गुड बाय।